नमस्कार, भारत माता की जय। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को उन्हें एक सच्चाई का आईना दिखाना है। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल जी सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। इनके सुर्खियों में छाए रहने का कारण इनकी किए गए अच्छे काम नहीं बल्कि इनकी नाकामयाबी है। अरविंद केजरीवाल जी की नाकामयाबी का कारण कोई चुनाव हारना नहीं है बल्कि इंडिया में चल रहे कोविड के सेकेंड वेव को ठीक तरह से ना मैनेज कर पाना है। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल जी हमारे और आपके टीवी चैनल्स पे भी काफ़ी छाए हुए हैं। किस लिए? बिकॉज ऑफ हिज एडवर्टाइजमेंट्स। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 3 महीने में टोटल 150 करोड़ रुपये अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए हैं। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस आता कहाँ से? अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं तो मैं उन्हें ये बात बताना चाहूँगी कि कोई भी टैक्स पेयर किसी पॉलिटिकल पार्टी के एडवर्टाइजमेंट के लिए टैक्स नहीं भरता है। पिछले 3 महीने में आपने जितना पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है उतना अगर आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते तो आज दिल्ली में बेड्स की, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले तो हमने ये भी सुना कि आजकल आपकी एडवर्टाइजमेंट टीवी चैनल से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे आने लगी। अब इसे आप एडवर्टाइजमेंट कहिए या फेक प्रोमिसेस कहिए, क्योंकि जब वो टीवी पे आकर अपने एडवर्टाइजमेंट में खुद की पब्लिसिटी करते हुए ये कहते हैं कि दिल्ली में सिचुएशन सब कुछ सही है, सब कुछ कंट्रोल में है, हम साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी तो उससे कुछ और ही है। इनके पब्लिसिटी के किस्से तो इतने दूर तक जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रही एक प्राइवेट मीटिंग को भी ये लाइव करने से पीछे नहीं हटते हैं। अब मैं आप सबके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ जिससे अरविंद केजरीवाल जी की फेक प्रोमिसेस की पोल खुलेगी। जिस समय पूरा भारत कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है उस समय अरविंद केजरीवाल जी का सामने आकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देना है। 2 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि कोरोना की चौथी लहर ज़्यादा खतरनाक नहीं है। 11 अप्रैल होते होते वो ये कहने लग जाते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन ही केवल एकमात्र उपाय नहीं है। उसके कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल जी ये कहने लग जाते हैं कि कोरोना की चौथी लहर काफ़ी खतरनाक है। 15 अप्रैल को उनका ये बयान आता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है बल्कि दिल्ली में बेड्स की कमी है। जहां 15 अप्रैल तक उनके हिसाब से दिल्ली में बेड्स की शॉर्टेज थी और वहीं वो 17 अप्रैल होते थे देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज इन बेड, ये उनका कहना है। यही 18 अप्रैल आते आते दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जबकि 15 अप्रैल तक दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। यही पिछले साल अगस्त 2020 में अरविंद केजरीवाल जी का ये वादा था कि हर घर में ऑक्सीजन पहुँचेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, घर घर की ऑक्सीजन कहाँ गई, घर तक तो नहीं पहुँची। वहीं 19 अप्रैल आते आते दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ जाता है जबकि एक हफ्ते पहले तक लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं थी। 25 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी को ऑक्सीजन टैंकर्स की ज़रूरत पड़ती है लेकिन 26 अप्रैल होते होते उनके पास सफिशेंट ऑक्सीजन टैंकर्स है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस आंकड़ों से और मेरे वीडियो से आपको अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादे और उनके झूठे दावों का सच पता चला। धन्यवाद। जय श्री राम। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।